आखिर तो चाची आखिर तो बिहार में दारू बंद है चाची। वो कहाँ दारू बंद है? लेकिन सरकार ने जैसे कि आप देख रहे हैं ये पांच लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब की। भौजी, ए भौजी, अरे के है? अरे हम है। काहे गला फाड़ रहा है साला? चिल्ला तो ऐसे जैसे बाप के बारात में आया है। अरे भौजी गुस्सा क्यों रहे हैं? हम तो रोज के ग्राहक है ना आपका। बनाया ग्राहक बनने वाला साला हमरे दूरा पर आकर कुत्ता की तरह चिल्ला रहे हैं। दारू पीना है चुपचाप बैठो, दारू लेके आती हूँ। ठीक है भौजी लाइए हम बैठते हैं। बैठ। भौजाई पांच रुपया कम है। पांच रुपया कम रख दारू। दारू पांच रुपया कम, पुलिस थाना मैनेज करू हम, गाड़ी बात सुनू हम, पैसा पूरा लेबो तब पिया देबो, चाहे खेत बेच के ला चाहे मौगी के पेटीकोट बेच के ला। ए भौजी दू दिन रुक जो, हमर बगीचा बिके है ना सब पैसा एक दिन सधा देबो। तोहर बाग बिको चाहे तोहर बगीचा बिको, रूपा रख तब दारू पी है, नहीं तो सुन बिना रूपा के हमरा आसो पास नहीं भटकी है। एक काम करो भौजी, एक काम करो ना कि अभी पिए द आ बदला में हमर साइकिल रख ना महाराज। यह साइकिल छौ? हाँ। अच्छा चल ठीक छौ पी 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 पी, लेकिन याद रखी है जब तक रूपा देबही नहीं साइकिल नहीं जाए देब। अरे दे देब महाराज, एतेक देलिए ना तो आप पता देबो की। जय हो दारू महाराज, पान वाली भौजी की जय हो। मजा आ गया भौजी। अरे चंदू किसके यहाँ का मार है ना? ए भैया तनी धीरे से बोलिए, अगल बगल से कोई सुन ना ले बिहार में दारू बंद है। ओए चंदू ये हमारे एरिया है, यहाँ कोनो साला ना बोलने वाला है और ना कोई सुनने वाला है। पियो देखो पियो, जो भी कोई साला बोलेगा घर में गोली मार देंगे। चंदुआ अब डाल कथी को उठा गिलास जो होता है देखल देते। ए साला रे उठ रे, अब ये गिरे था उठ उठ बेटी चोद। ए रमेश भाई खैनी चुना हो जाए। ले साला खैनी बना। 84 करियो कि 85 बोल। 85 कर। सर कोनो उपाय कीजिए सर, कहिया तक मोबाइल से सारन बजा के चोर को पकड़ते रहिएगा? चलते चलते गोरो और दुखा गया है, या तो घूस लीजिए या तो फिर गाड़ी लीजिए, हमरा आर के बस के बात नहीं है इतने दूर पैदल चलना। गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज मंगवा दे, ये साला सैलरी मिल नहीं रहा है इन ससुर लोग को, साला गाड़ी का पड़ा हुआ है, ये घूस तक देने को कोई तैयार नहीं है। काम पर ध्यान दो,
बहुत देख रहे हैं आजकल। ए भैया हमको लगता है कि आज आपके एरिया में हम सबके गांव में गोली मारा जाएगा। ए साला सोच का रहा है भागने तो सच में मारा जाएगा। हाँ भाग 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 भाग। सर खबर पक्का है कैसा ही चल दी है? साला हरामी दरोगा है। बोले जी? ना सर आपको कुछ नहीं बोले। मेंटेन डिसिप्लिन। हम देखिए सर ससुर के नाती सब भाग रहा है। तिवारी जी। हाँ सर। दौड़िया तो दोनों दौड़ कोने में, देखिए तो ससुर कौन सा ब्रांड है। यस सर अरे मौका देख रहे भाई, दौड़ो ससुर भाग जाएगा। यस सर। साला बड़ी हरामी दरोगा। सर आपने भागेंगे सर आपने भागेंगे सर सर आपने भागेंगे सर। हमारे बाप मुखिया है, छोड़ दीजिए नहीं तो अच्छा नहीं होगा। बाप मुखिया हो तो रंगबाजी करेगा, सब रंगबाजी तरह सब छोड़ दीजिए ठीक नहीं होगा। कवन बरन मारा है ससुरा, 95 की स्पीड से दौड़ा है हमको। सर छूट दीजिए हमको सर प्लीज सर छूट दीजिए हमको, आपके बाद नहीं दौड़ाएंगे। सर सर छूट दीजिए वो बंद कर एकदम चुप प्लीज सर। कौन बरन मार रहा था रे? सर महुआ बरन मार रहे थे सर। बिहार में महुआ बोतल दोनों बंद है तब फिर कहाँ पी रहा, कहाँ पी रहा था रे? कहाँ पी रहा, कहाँ पी रहा? मार से हमको बहुत डर लगता है सर, छोड़ दीजिए। जब मार से तुमको इतना ही डर लगता है तो पिता कहाँ है? छोड़ दीजिए आप कहीं ना पिएंगे सर। सर छोड़ दीजिए सर। चल ससुरा को ले खाना, चल सब नशा तुमको खाना सिखाते हैं। तिवारी जी ले चलिए दोनों ससुरा को। सर कह रहा है छोड़ दीजिए, दोनों को जान में डंडा डाल कर रहा है छोड़ दीजिए। सर जी छोड़ दीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए सर जी कह रहे हैं अच्छा नहीं होगा। अरे अरे मुखिया जी, अरे भाई मुखिया जी को पकड़ लिए भाई हैं। इधर सलमा दारू पी रहा था। अरे ये दारू कैसे पी सकते हैं भाई, ये तो इतने अच्छे आदमी हैं। अरे मुखिया जी आप यहाँ पर आए बताइए भाई, मतलब कोई दिक्कत उक्कत तो नहीं ना हुआ जी? सलमा दारू पी रहा था सर। अरे गलत फहमी हुआ होगा तुमको, दारू पीते हैं? अरे ये तो बहुत भोले वाले आदमी है। समझ गए सर आप। तुम मत दावा समझो, हवलदार हो हवलदार बन के रहो, दरोगा हम है। जो करवा मुखिया जी आप खेत घूमने हुए आए हैं कि? वही तो सर। मुखिया जी कोनो दिक्कत उक्कत तो नहीं ना हुआ सर? आपको सरवा घुसखोर दरोगा, आपको कोई कुछ कर सकता है? अरे आप झूठे की यहाँ पर आ जाते हैं खेत घूमने के लिए, अपने दरोगा के वजह से बिहार में दारू बंद नहीं हो रहा है। आप एकदम मस्ती में चल जाइए, अरे कुछ हुआ हुआ तो नहीं ना जी? इसी वजह से सर बंद नहीं करेगा। तुम चुप करो, हवलदार कहीं का इन लोगों का बात का बुरा मत माना कीजिए, ठीक है? आप आराम से घर चले जाइए, घर पर आकर हम लोग बात करते हैं, है कि नहीं? हम लोग तो भाई है जी, है क्या दिक्कत है? घर में सब ठीक ठाक है ना? जी जी बहुत बढ़िया बात है, आराम से आप चल जाइए, ठीक है जी? दोबारा हमारा पकड़ाएगा तो डंडा डाल के सर्विसिंग करेंगे। ज्यादा बोलेगा जी, है नौकरी प्यारा है कि नहीं? आप जाइए ना सर। साला हमको मारता है, हमेली पे आ जाइएगा सर। दोबारा पकड़ाएगा तो डंटा डाल के सर्विसिंग करेंगे तोरा सरवा हम। राम सिंह तुमको पता नहीं है जी कि मुखिया का लड़का है? मुखिया का बेटा हो चाहे किसी का बेटा हो सर, हमारा हाथे चढ़ेगा तो उसको डंटा डाल के सर्विसिंग हम करेंगे। तुमको नौकरी प्यारा है कि नहीं? नहीं करना है ऐसा नौकरी हमको। तुमको तो हम थाने में बताएंगे। तिवारी जी सर इसको क्या पकड़े, ये भी बैठ के पी रहा था, दारू पीता है जी, दारू पीता है, दारू पीता है। धोखा रहे हैं सर इसको, ऐसे इसको गार पर डंटा दीजिए। अरे अरे भाई जान लेगा का बच्चे का है? बच्चे का जान लेगा? बिहार में दारू बंद है, जानते नहीं है आप? चलो छोड़ो इसको, ले चलो इसको थाने में, साले वहीं पर इसको बता। मंगाओ गाड़ी, खरीद के रखे हैं गाड़ी सर, जो ले जाइएगा। और देखिए सर दो को गलिया रहा है। गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक।
मेरा हेलमेट कट रहा था। हेलमेट कहाँ है सर? घर पे है। तुमको पता नहीं है बिना हेलमेट का जो है सर हम किसानी लाइन चल रहे हैं ना। बिना शर्ट के गाड़ी चलाना तुमको पता नहीं है बिहार में कानून का अपराध है? किसान में चल रहे हैं सर। चल गाड़ी पर से उधर उधर गाड़ी पर से पहले चल कल है आ जाना थाना पर गाड़ी लेने के लिए। चल जो घर चल चलिए हम साहब के साथ आते हैं। चलिए भागा ना तो वहीं पर तुम लोग गाड़ी वाड़ी नहीं चलता है जी है। कहीं का हवलदार है जी डंटा यहीं छोड़कर भाग गया तभी तो तुमको थाना में देखते हैं। सर हमरो डंटा पकड़िए आप। साला सब दारू पिएगा और बिना हेलमेट का गाड़ी चला कपड़ा कर उसका बाप पे रहता। हेलो के हम नगनिया बोल रहे हूँ। नगनिया दारू वाली ओ तू है ना है उस दिन ले गया पैसा वैसा नहीं दिया पैसा लेके आ तब माल देंगे। यहाँ पर पुलिस का सामना हम करें अब माल लेके जाएगा तुम पहले पैसा लेके आ पैसा। यहाँ पुलिस चारों तरफ छापा मारने घूरता है तेरा चाहे दारू उधारी में रख फोन दारू ले बिना पैसा। मैं तुम्हें कितने दिन बोला हूँ कि खुले में दारू बनाना बंद करो। पुलिस चौकन्ना होकर घूम रही है। पुलिस चौकन्ना होकर घूम रही है पुलिस को माल देती हूँ माल पैसा फ्री का लेता है और वो हन थाना पुलिस हमारा ई में है ई में यह दारू के कमाई से इतने बिल्डिंग खड़ा किया है। आई बोल रहे पुलिस चौकन्ना होकर घूम रही है तुम बनाया झोपड़ी से महल बना दिए। पुलिस वाला छापा मार देगा अबे पुलिस वाला हमारा अड्डा पर छापा मारे मार के गाड़ गोलिया देंगे। हमरे नाम है नगिनिया पैसा फ्री का लेता है का है? पुलिस थाना दारू महुआ के दारू बना बना के हम खराब पति हो गई आज तक पुलिस थाना हमरा करी पुलिस थाना देखते हैं कौन थाना पुलिस आकर हमरा पकड़ के ले जाता है ऐसे नजर तो हम ई में रखते हैं। कलवा के मैं कलवा के मैं बाहर निकल हे भगवान फिर के दारू पिया दल के कहां से पी के आ गेलो तू? पैसा 200 रुपया कहां से दिया हमरा पास पैसा नहीं है। तू भरम दिया दे बेच सब कुछ
पैसा देगा पैसा रे पैसा कहाँ से दिया पैसा घबरा लगे कुरु प्राणा ही चाह हम कुछ नहीं जाना ये पैसा ला दूसरा दूसरा पहले सोचना घर में कथि करी घर में काला कुर्सी ना जा तोरा पैसा कहां से दिया सब हम ने समय पैसा ले अगले हम फोन काका बाप भाई का बोला के तेरा घर तोड़वा दूं काका ले पैसा You're the last one. Complete the mission. कौन ब्रांड का पावर दिखाया नहीं पियेंगे स्वर हम कर रहे हैं ना आपको कमाने वाला हमारे घर में इतना ले जाएगा तो हमारे बाल बच्चा का क्या फेंकेगा इसको तो हम कभी नहीं छोड़ेंगे कभी नहीं छोड़ेंगे इसी तरह अगर तुम लोग इसको छोड़वाती रहे तो ये लोग का पियकरी कभी छूटेगा दोनों का ये छोड़ यार छोड़ो छोड़ो तुम लोग हाथ जोड़कर विनती करता हूँ अगर आपके घर में आपका पति आपका ससुर आपका देवर अगर चाहे आपका पड़ोसी ही क्यों ना हो अगर इस तरह से पी के कंटिन्यू करता है तो आप लोग अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन में शिकायत करें अगर आप ऐसा नहीं करते हैं यही आपका बेटा आपका पति आपका ससुर आपको सर से पांव तक कर्ज में डुबा देगा और आपके पास आंखों में आंसू के अलावा और कुछ नहीं बचेगा इसलिए दारू बनाने वाले के साथ साथ पीने वाले को भी पकड़वाइए बिहार पुलिस 24 घंटे आपके सेवा में उपलब्ध है तिवारी जी हाँ सर ले चलो इसे तिवारी जी सबसे बड़का धंधेबाज ई नगिनिया है जी सर सही बोले सही बोले ना का तिवारी जी कैसा ना हुआ तिवारी जी ये आपको पहचानती है नहीं सर हम नहीं पहचानते हैं तो देख क्या कर रहे हैं पकड़ो इसको साहब जी आइए सर पकड़िए तुमको इतना लोग मर रहा है और तुम फिर भी दारू बनाती है शर्म नहीं आता है तुमको ए तिवारी छोड़ हाथ साला हफ्ता देती हूँ हफ्ता तब दारू बनाती हूँ सच बोल रही है नहीं सर तुम लोग कुत्ता का जात होते हो हफ्ता देते हो हफ्ता तुम खुद जाके अपना दरोगा से तिवारी जी हफ्ता लेते हैं इसे नहीं सर तुम दारू बनाते हैं दारू हम बनाते हैं तुम लोग पुलिस वाले दारू बनवाते हो बंद करो ए तिवारी साला पुलिस वाला तुम लोग कुत्ता का जात होता है कुत्ता का पहले बताएंगे सुन
हमारे नाम है नगिनिया, तुम्हारे पकड़ लेने से हमारा शराब का धंधा बंद नहीं होगा। हम बेबार का नाम रखना, चल दो महीने के आगे फिर हम शराब बनाएंगे। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी जंक्शन, जहां की अभी हम आए हैं घरौली गांव में, जहां की एक ही सदस्य में, एक ही परिवार में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई है। तो आइए हम परिजनों की लोगों से बात करते हैं, आइए हम मिलाते हैं परिजनों की परिवार से। कैमरामैन फोकस बनाए रखे इधर, चाची इधर सुनियो ना, चाची सुनिए ना, चाची इधर हेलो, ये सब कैसे हुआ चाची, कैसे हुआ ऐसे? ये आखिर शराब कौन बनाता है गांव में जरिए से? यहाँ की पुलिस प्रशासन नहीं आ रही है, आखिर तो बिहार में दारू बंद है चाची, दारू बंद है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये 5 लोगों की मौत हुई है जहरीली शराब के कारण, लेकिन ऐसे ही जहरीली शराब लोगों ने पीते हैं, और गरीब लोग में होता है, जैसे कि कोई मजदूर आदमी हो, दिन भर काम करके आता है, उसके बाद जहरीली शराब शाम को लेता है 1-2 पैक, आखिर वही पीने से गरीब परिवार को लोग को मौत हो गई। देखिए एक साल की बच्चिया भी है, और इनको शराब पीने के बाद मौत हो गई है, इसीलिए हम प्रशासन को यही कहेंगे, ये गांव में शराब माफिया को अरेस्ट क्यों नहीं होता है, गलत धंधा करने वालों को अरेस्ट क्यों नहीं होता है? जैसे कि देखिए करौली पंचायत के मुखिया जी पहुंच चुके हैं, तो आइए हम मुखिया जी से कुछ बात करते हैं। मुखिया जी ये बताइए, जो कि जहरीली शराब पीने से गरीब लोगों की मौत हो गई है 5 लोगों की, इसके बारे में आपको क्या कहना है? नीतीश सरकार से मैं यही कहना चाहूँगा, क्यों बोल देते हैं कि गांव में सब ठीक चल रहा है, जी गाँव में आके देखें कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। जी इनसे मिलिए, इनकी 3 संतान मर गई हैं, जी जी, और उनके सामने में लाश पड़ी हुई है, और इनके देखिए, इनसे मिलिए, इनके माथे का सिंदूर उजर गया है, इन छोटे छोटे बच्चे को देखिए, ये अभी अपने पैरों पे चलना सीखे हैं, जी जी, इनके सर से बाप का साया उठ गया है। वो तो है ही, वो तो देखिए रहे हैं मुखिया जी, जैसे कि यहाँ की प्रशासन लोग, जैसे कि गलत धंधा करने वालों को जहरीली शराब बना रहा है, इसके बारे में प्रशासन ने यहाँ गांव में नहीं आता है, गलत करने वालों को अरेस्ट नहीं होता है, तो इसके बारे में आप क्यों नहीं गांव समाज में देखते हैं? नीतीश कुमार ने तो दारू बंद कर दिया जी, लेकिन शराब माफियाओं के लिए जी जी सारे रास्ते खुलेआम खुलवा दिए हैं, पुलिस प्रशासन हाथ पे हाथ दे के बैठे रहते हैं जी जी। पुलिस प्रशासन को क्या जाता है, हमारे गाँव के बहू बेटिया विधवा हो रही है। चलिए मुखिया जी, जैसे कि ये घरौली पंचायत में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत, बहुत दर्दनाक घटना है, इस बात को सबको दुख हो रही है कि जहरीली शराब पीकर 5 लोगों की मौत हो गई। ये बताइए, गरीब लोग कैसे आप जिएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे कमाएंगे, बहुत दुख की बात है। चलिए तो अब इसके बारे में, कुछ गरीब लोग मारा है तो इसके बारे में सरकार कुछ मुआवजा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरूर मिलना चाहिए। सरकार ने दारू बंद करवाया है तो कैसे दारू बिक रहा है, इससे सरकार को सभी परिजनों को, एक एक परिवार को 4-4 लाख रुपया का भुगतान देना है। इससे हम आगे सरकार पे अपील उठाएंगे और सरकार से बात करते हैं। जी जी। अच्छा मुखिया जी, आपसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जहरीली शराब पीने वालों के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपको पता है कि जहरीली शराब
कैसे कैसे करके बनाया जाता है, जहरीली बनाया जाता है, तब भी आप पीते हैं तो आप गलत करते हैं। अगर आप पीते हैं तो उससे पहले आप अपनी पत्नी का मांग का सिंदूर देख लीजिएगा, जिसने आपको जन्म दिया उसका चेहरा देख लीजिएगा, और जिसने जिसने आप उसको जन्म दिया उस बच्चा का मासूम चेहरा देख लीजिएगा, तब पीजिएगा शराब। अगर आप शराब पीते हैं तो इन्हीं के तरह आपकी पत्नी विधवा हो जाएगी और छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, और जिस बाप माँ बाप ने जन्म दिया है वो सोचे होंगे कि मेरे बेटे मरने के बाद मुझे कंधा देंगे, वही बाप आपको जवान बेटे को कंधा देंगे तो क्या लगेगा, उनको दिल पे क्या बीतेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि कोई लोग शराब ना पिए और शराब ना पिलाएं। मैं फिर से यही कहना चाह रहा हूँ, शराब सेहत के लिए हानिकारक है। अगर कोई पीते हैं और कोई पीते हुए देखा जाता है तो आप हमको सूचना करें, हम पुलिस को बोलेंगे, चाहे आप भी पुलिस को फ़ोन करके बोलिए। जी बिल्कुल, मुखिया जी का कहना सही है, क्योंकि जहरीली शराब पीने वालों के लिए मैं भी कहता हूँ इसके लिए, जो जिसको बीवी से, अपनी माँ से, अपनी बच्चों से प्यार रहेगा वो कभी शराब नहीं पिएगा, क्योंकि शराब पीना बहुत हानिकारक चीज़ है। क्योंकि सभी भाइयों से नर निवेदन है कि शराब ना पिए, जैसे कि गांव की मुखिया जी का यही कहना है कि शराब ना पिए तो अच्छा ही रहेगा।